बद्रीनाथ धाम भारत के चारों धामों में से एक धाम। कहते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने मां से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों भक्त बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाते हैं, तो जो इस साल 2024 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाने वाले हैं, यह वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं, बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बद्रीनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा समय सही रहेगा बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाने के लिए, कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए आपको बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जाने के लिए, और आखिर ये भी बताएंगे कितना खर्च आता है बद्रीनाथ धाम की ट्रिप पे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आप बद्रीनाथ धाम तक कैसे आ सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम यात्रा की शुरुआत होती मुख्य रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश से। आप बाई बस बाई ट्रेन बहुत आसानी से हरिद्वार और ऋषिकेश आ सकते हैं। भारत के सभी मुख्य राज्यों से सीधे हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रेनें चलती हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम का नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून में, तो आप बाई फ्लाइट देहरादून आ जाए, फिर देहरादून से अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश आने के बाद बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद बद्रीनाथ धाम तीन तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला और सस्ता तरीका है बाई बस। हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए पर डे बस की सुविधा उपलब्ध है, तो आप बाई बस बहुत आसानी से हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा आपको बाई बस अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप यही टिकट ऑनलाइन कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप से, बहुत से भक्त पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, तो यही टिकट आपको 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए के आसपास का पड़ने वाला है। तो आप ऑनलाइन तरीके से भी बस की टिकट बुक करके बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन है बाई टैक्सी। अगर आप बाई टैक्सी अपनी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगर आप 5 सीटर कार करके जाते हैं तो लगभग 3500 रुपए से लेकर 3700 रुपए के आसपास का पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी की बुकिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप 7 सीटर कार से जाते हैं तो इसके लिए आपको 5000 रुपए के आसपास पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर आप बाई बस अपनी यात्रा करना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम की, तो सुबह सुबह ही आपको बस मिलेगी, 10 बजे के बाद आपको बद्रीनाथ धाम के लिए बस नहीं मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ की दूरी हरिद्वार से लगभग 316 किलोमीटर के आसपास है। पूरे दिन का समय लग जाता है बद्रीनाथ धाम यात्रा में, इसीलिए 10 बजे के बाद बस नहीं जाती है बद्रीनाथ धाम, क्योंकि रास्ता कई जगह काफी खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप बाई बस एक दिन में नहीं जा पाते हैं बद्रीनाथ धाम, तो फिर हरिद्वार से आप बाई शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हैं, शेयरिंग बस में जा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले हरिद्वार से जाएंगे जोशीमठ, और जोशीमठ से फिर आप जाएंगे बद्रीनाथ धाम। तो अगर आप 12-1 बजे हरिद्वार पहुंचते हैं तो फिर आप उसी दिन निकल जाइए बाई बस या बाई टैक्सी जोशीमठ तक के लिए, फिर दूसरे दिन जोशीमठ से आप पहुंच जाइए बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार या बाइक लेके बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हो तो बहुत आसानी से अपनी कार और बाइक लेके बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस बद्रीनाथ धाम पहले से 20 से 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वही रास्ता कई जगह पे लैंडस्लाइड वाला आपको मिलने वाला है, और कई जगह रास्ते खराब हो जाते हैं क्योंकि बद्रीनाथ धाम 6 महीने पूरी तरीके से बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आप बद्रीनाथ धाम तक कैसे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो कैसे होगा, और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कब से शुरू हो रही। तो इस साल 2024 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है 12 मई 2024 से कपाट खुल जाएंगे बद्रीनाथ धाम, तो आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा 12 मई से कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पे जाके अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन पे जाके भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ऋषिकेश में तो बस स्टॉप के पीछे ही यात्रा ट्रांजिट केंद्र बना हुआ है, तो आप वहां जाके भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार से चलने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे, बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्थाएं। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद अगर आप बाई बस जाते हैं तो आप बस स्टॉप पे ही उतर जाएंगे, और बस स्टॉप से 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है बद्रीनाथ धाम मंदिर। तो बस स्टॉप से ही आप देखेंगे बहुत सारे आश्रम होटल गेस्ट हाउस आपको बने हुए दिख जाएंगे जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो वहां पे आपको कई सारे आश्रम मिल जाएंगे। अगर सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करते हैं वहां पे आपको काली कमली वालों का आश्रम, भारत सेवाश्रम का आश्रम,
आश्रम और केदारनाथ बद्रीनाथ सीमित वालों का भी आश्रम बना हुआ है, जहां पे आपको 500 रुपए से लेके 800 रुपए में और 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बस डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं, अगर आप दो लोग हैं तो फिर 800 रुपए में आपको कमरा मिल जाता है, अगर आप चार लोग हैं चार बेड वाला लेते हैं तो 1500-1600 रुपए में आपको कमरे की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप होटल में रूम लेना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम में बहुत अच्छे अच्छे होटल भी बन गए, जहां पे आपको 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए के आसपास होटल में कमरा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम में भी GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा होटल देवलोक बना हुआ है, वहां पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा GMVN वालों का यात्री निवास भी बना हुआ है, जहां पे डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है 400 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में। ये डिपेंड करता है आप अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, अगर आप पीक सीजन में जाएंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो आप यात्री निवास में डोरमेट्री की भी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा जो स्क्रीन पे दिख रही है, इस वेबसाइट पे जाकर बहुत आराम से अपने लिए पहले से ऑनलाइन की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो ऑफ सीजन में आप वहां जाने के बाद तुरंत में ही अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं, आपको आराम से बुकिंग उपलब्ध हो जाती है। और अगर बात करें होटल देवलोक के चार्जेस की, तो यहां पे आपको 3800 रुपए से लेकर 5000 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध होती है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन यहां पे आपको डिलक्स और सुपर डिलक्स रूम की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आप अगर बजट अच्छा खासा है, आप बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम की ट्रिप, तो आप फिर होटल देवलोक में भी रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे, आगे बढ़ने से बात कर लेते हैं आपको अपनी बद्रीनाथ धाम की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है बद्रीनाथ धाम के कपाट मात्र 6 महीने के लिए खुले होते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ का जो मंदिर बना हुआ बिल्कुल पहाड़ों के बीच बना हुआ है और सर्दियों में यहाँ पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है और पूरी घाटी बर्फबारी में ढक जाती है। और अप्रैल से मई महीने में बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं और नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर बंद कर दिए जाते हैं। इन्हीं 6 महीने के अंतराल में आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत होती है अप्रैल मई में या फिर मई जून में, तो यात्रा पे बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप भीड़ नहीं मैनेज कर सकते तो फिर आपको मई जून में यात्रा नहीं करनी चाहिए, आपको यात्रा करनी चाहिए सितंबर अक्टूबर नवंबर में। सितंबर अक्टूबर नवंबर में यात्रा पे कम भक्त जाते थे, इसमें भीड़ कम होती और जो वहां पे कमरे वगैरह बने हुए होटल जो है वो भी थोड़ा सा सस्ते हो जाते, तो आपकी ट्रिप भी कम बजट में हो जाती है। तो आपको अपनी यात्रा 15 सितंबर के बाद और नवंबर तक करनी चाहिए, और अगस्त में जुलाई में आपको अपनी यात्रा नहीं प्लान करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वेदर का सीजन हो जाता है, बरसात का सीजन होता है, इस समय जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो जाती है और कई बार तो बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है 2 से 3 दिनों के लिए तक बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको जुलाई अगस्त में अपनी यात्रा प्लान नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं आपको बद्रीनाथ धाम यात्रा की ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो आपको बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो 2 रातें और 3 दिन के प्लान करने चाहिए। पहले दिन आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाएंगे, दूसरे दिन बद्रीनाथ धाम एक्सप्लोर करेंगे, साथ में माड़ा गांव एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक नाइट का स्टे करेंगे और तीसरे दिन आप बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार आ जाएंगे। तो कम से कम आपको 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी दूर से यात्रा पे जाते तो आपको एक ही नाइट का स्टे करने के बाद दूसरे दिन भागने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप किसी ट्रेवल एजेंसी से प्लान करके जाते तो भाई उनसे भी आप बता दीजिए कि कम से कम 2 नाइट का स्टे हमको बद्रीनाथ धाम में करना है, एक तो जिस दिन हम पहुंचेंगे और दूसरे दिन हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो 2 नाइट का स्टे हमको बद्रीनाथ धाम में करना है, क्योंकि ट्रेवल एजेंट वाले आपको कई बार फंसा देते हैं, सिर्फ 1 नाइट का स्टे आपको कराते हैं और सुबह सुबह आप जाते हैं बहुत हड़बड़ी में दर्शन करते हैं फिर वापस आप आ जाते हैं। तो आपको ट्रेवल एजेंसी के जो ट्रेवल एजेंट है उनके झांसे में नहीं आना है, उनके प्रेशर में भी नहीं आना है। कई बार ऐसा बता देंगे रास्ते बंद हो जाएंगे, बरसात होने वाली है, आप जल्दी यहां से निकल चलिए, तो इसमें कई बार आपकी ट्रिप खराब हो जाती है। तो आपको 2 नाइट का स्टे तो बद्रीनाथ धाम में करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आप बद्रीनाथ धाम कैसे जा सकते हैं, कब जाना चाहिए, रुकने की क्या व्यवस्था है। बात करते हैं आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन कैसे करने। तो आप जिस दिन बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे उस नाइट आप आराम से जाइए अपने होटल में, रात तक पहुंचेंगे, नाइट स्टे करिए, दूसरे दिन सुबह सुबह उठिए और आपको जाना है मंदिर, बद्रीनाथ धाम मंदिर पहुंचेंगे आप। सबसे पहले वहां पे गर्म जल कुंड बने हुए महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, तो आप जाके यहां पे स्नान करिए। यहां पे प्राकृतिक रूप में आप देखेंगे गर्म जल के कुंड बने हुए, यहां पे हर तरफ जहां आपको ठंडा पानी मिलेगा, हर तरफ बर्फबारी दिखेगी, लेकिन ये कुंड प्राकृतिक रूप से भगवान का चमत्कार कहेंगे, ये कुंड हमेशा गर्म रहते हैं, आप इसमें आराम से स्नान करें। स्नान करने के बाद जाके लाइन में लग जाइए, अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो 1 से 1.5 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। आप पहुंच जाएंगे लाइन में लगते हैं बाबा बद्री विशाल के मंदिर के अंदर और ठीक सामने विराजमान है बद्री विशाल, इनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही और भगवान भी वहां पे विराजमान है, उनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए, वापस आने के बाद वहां पे मार्केट बनी हुई, अगर आप मार्केट से कुछ लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लीजिए। इसके अलावा
अलावा जो भक्त वहां पे ब्रह्म कपाल करना चाहते हैं, अपना पिंड अर्पण करना चाहते हैं अपने पितरों का, तो वो जा सकते हैं ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल वही जगह है जहां पे अपने पूर्वजों के पितरों का पिंड दान किया जाता है। वहां पे आपको बहुत सारे पंडित देखने को मिल जाते हैं और वहां पे आप ये पूजा भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आपको जाना है माड़ा गांव। माड़ा गांव बद्रीनाथ धाम मंदिर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास है। जितने भी भक्त बद्रीनाथ धाम जाते हैं वो भारत का पहला गांव माड़ा गांव जरूर जाते हैं। तो आपको जाना है माड़ा गांव। माड़ा गांव में 4 से 5 पॉइंट है जहां जाके आपको दर्शन कर लेने हैं, और जिनमें से हैं सबसे पहले आप ब्यास गुफा पहुंचेंगे, फिर गणेश गुफा पहुंचेंगे, उसके बाद भीम पुल जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो आप वासुधारा फॉल भी जा सकते हैं। इसके अलावा वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना है तो आप उस मंदिर जाके भी विजिट कर सकते हैं। और माड़ा गांव पहुंचने के बाद यहां पे भारत की सबसे पहले चाय की दुकान है तो आप चाय का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के अलावा माड़ा गांव विजिट करते करते आपको 2 से 2.5 बज जाता है और वापस आपको बद्रीनाथ धाम आ जाना है और एक नाइट का स्टे कर लेना है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से गए हैं तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपको उस दिन कहेंगे कि आज आप यहां से निकल चलिए, आगे रास्ते में रुक जाएंगे, तो रास्ते में रुकने का कोई भी मतलब नहीं पड़ता। जब आपका दूसरे दिन ही आप हरिद्वार पहुंचेंगे, एक नाइट का स्टे रास्ते में कर लेंगे, तो इसीलिए आप बद्रीनाथ धाम में ही 2 नाइट का स्टे करिए और तीसरे दिन सुबह सुबह निकलिए बद्रीनाथ धाम से और शाम तक आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार। और अगर आप चाहते हैं 2:30-3 बजे तक आप पूरा बद्रीनाथ धाम माड़ा गांव घूम चुके हैं, आप नहीं रुकना चाहते, तो फिर आप प्राइवेट टैक्सी से उसी दिन वापस निकल सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग में गए हैं तो फिर शेयरिंग में आप वहां से सोमो सफारी चलती जोशीमठ वापस आ जाइए, जोशीमठ में शाम को आके नाइट स्टे कर लिए, फिर जोशीमठ से शेयरिंग में आप तीसरे दिन वापस आ जाइए हरिद्वार। तो आप इस हिसाब से अपनी बद्रीनाथ धाम की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब आखिर में बात आती है कि बद्रीनाथ धाम की ट्रिप पे कितना खर्च आता है। तो अगर आप बाई बस अपनी यात्रा करते हैं, डोरमेट्री में रुकते हैं, तो आपकी बद्रीनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार इसी के पहुंचने के बाद 5 से 6 हजार रुपए में कंप्लीट हो जाती है। अगर खाने पीने की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में खाना पीना आपको बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और रेट की बात करें तो 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में आप बद्रीनाथ धाम में भरपेट खाना खा सकते हैं। इसीलिए अगर आप जाते हैं तो 5 से 6 हजार रुपए में आपकी बद्रीनाथ धाम की ट्रिप बहुत आराम से कंप्लीट हो जाती है। बस जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो अपने साथ ऊलन कपड़े और एक छाता लेके जाएं, क्योंकि कई बार वेदर खराब हो जाता है। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके गए हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा, तो अगर प्राइवेट टैक्सी वही लोग करके जाते हैं जो ग्रुप में, अगर 4 लोग हैं तो फिर आप 5 सीटर कार करके ले जा सकते हैं। और इसमें भी आपका जो खर्च आने वाला है भाई वो लगभग 8 से 9 हजार रुपए के आसपास का आने वाला है, क्योंकि 12 हजार रुपए के आसपास में आपकी कार हो जाती है 3 दिन के लिए, 3500-3600, अगर 4 हजार भी पड़ता है तो 4 हजार रुपए के आसपास 12 हजार रुपए के आसपास का आपका खर्च आने वाला है गाड़ी पे, और 12 हजार रुपए के आसपास का खर्च आपको आने वाला है कह सकते हैं रहने का खाने का, तो 12 × 2 = 24, तो लगभग 7-8 हजार रुपए का खर्च आपका आ जाता है अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपका कोई सवाल है, आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जा रहे हैं, तो कमेंट में कमेंट करिएगा, आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।